नमस्कार क्रिप्टो भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करते हैं फेसबुक लिब्रा की, कि आप देख सकते हैं काफी लोगों का ये कहना है कि आप लिब्रा हमने ज्वाइन किया, उसमें हमने फेसबुक से लॉगिन कर लिब्रा कॉइन को क्लेम कर लिया। इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी ओर बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि लिब्रा कॉइन के आने से काफी पॉजिटिव होगी या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आप क्रिप्टो इंडिया में रेगुलेट होने में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बात की जाए क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें आप ऑफिसर रैंक के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी लिब्रा का क्वेश्चन देखने को मिला। और दूसरी ओर केबीसी जो टॉप टीआरपी वाला रियलिटी शो है, जिसमें फेसबुक लिब्रा का जिक्र हुआ, क्रिप्टो करेंसी का जिक्र हुआ, अब लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव होने वाली है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फेसबुक की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले। उसमें उन्होंने बोला है कि लिब्रा एसोसिएशन चीफ ने कि 2020 मिड में आपको लिब्रा डिजिटल करेंसी देखने को मिलेगी, कि ये जो उनकी करेंसी रहने वाली है, वी डोंट वांट टू बी लाइक ए ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक्चुअल में है क्या? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होती है। तो वैसे नहीं रहने वाली है कि हम पैसा लगाएंगे, लोगों का पैसा डबल करेंगे या कुछ है। तो हमारा कंसेप्ट ही अलग है, कुछ अलग तरीके से हम इसको पेश करने वाले हैं। जैसे कि जिस जगह पर बैंक नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिलती, वहां पर हमारा विजन है कि वहां पर भी हम इस कॉइन को पहुंचाएं, ताकि लोग ट्रांजेक्शन कर पाएं जहां पर बैंक्स नहीं वर्क करते। तो ये काफी बढ़िया विजन लेकर चल रहा है। यूएसए गवर्नमेंट भी इसमें आप पॉजिटिविटी दिखा रहे, जो कि इन्होंने फैक्ट्स जो बताए हैं। जो कि बात की जाए लिब्रा एसोसिएशन चीफ की, तो उन्होंने बोला कि 2020 मिड में, जो कि हाफ 2020 में, हम इसको लॉन्च कर देंगे और आपके सामने इसको दिखेगा और आप इसको यूज भी कर पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये रहने वाला कि 2020 को और आपको देखने को मिलने वाली है चीज। अगर बात की जाए मार्क ज़करबर्ग की, तो अगर वो ये चीज लेके आए हैं तो कुछ सोच समझ कर लेके आए हैं। तो इसमें बात की जाए कि मार्क ज़करबर्ग इसको अकेले लेके आए हैं तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ 28 कंपनियां और हैं जो साथ में वर्क कर रही हैं। अब रुक करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो केबीसी की बात की जाए, केबीसी के बारे में आपको पता है कि जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 34 सेकंड एक बंदे ने लिए थे, उसमें पूछा गया था व्हाट इज लिब्रा प्रपोज्ड बाय फेसबुक, जिसका आंसर आपको भी पता होगा। अगर आप उसकी जगह होते तो कितने सेकंड में देते, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये काफी पॉजिटिव रहने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। और दूसरी ओर जब बात की जाए क्वेश्चन पेपर की, जो कि ऑफिसर रैंक के अगर आते हैं, तो उसमें भी फेसबुक का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अनाउंस बाय फेसबुक, जो कि इसमें एरिस टेरा लिब्रा मून बताया गया। इसमें भी आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप होते तो इतने कितने सेकंड में इसका आंसर देते, जो कि आसान है लिब्रा, फेसबुक में कौन सी क्रिप्टो करेंसी की घोषणा हाल में की गई थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इंडियन काफी जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति। जैसे कि केबीसी में जब ये क्वेश्चन आया तो काफी लोगों ने गूगल में सर्च किया, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता था लिब्रा के बारे में। तो काफी लोगों ने गूगल में सर्च किया लिब्रा का, काफी लोगों को चुल मचती है यार, नॉलेज हो तो बढ़िया, कभी भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, तो कहीं भी यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लोग रिसर्च करते हैं, तो काफी ज्यादा सर्च हुआ था कि लिब्रा क्या है। और ये सोचिए जब ये क्वेश्चन जब इंडिया में आया तो कितना इफेक्ट पड़ा है, जो कि फेसबुक में जब लिब्रा लेके आएगा तो ये कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जो कि फेसबुक, तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो कि आप यूज़ करते हो मार्क ज़करबर्ग द्वारा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला, क्योंकि लिब्रा को काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। जहाँ पर बात की जाए कि और प्रोडक्ट अगर प्रमोट किए जाते हैं तो वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो उसको कितना आगे वो लेके आएंगे। तो इधर बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको भी पता है इंडियन काफ़ी आगे हैं, लाइक इंडियन गवर्नमेंट भी आजकल इसका काफ़ी हिस्सा बन गया, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर भी उनके अकाउंट है। और यहाँ तक कि कैंपेन चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी कैंपेन है, ब्लड के हो गया और भी पोलियो बूथ हो गया, तो उस पर भी ये ऐड लगाते हैं फेसबुक पर। तो वो फेसबुक पर भी अगर आपको ऐड लगानी पड़ेगी तो आपको लिब्रा कॉइन के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिक्योर रखना चाहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो सबको पता लगे कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाला। तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल मीडिया का आज के टाइम पर सोशल मीडिया की पावर इतनी हो गई है, तो वो सोशल मीडिया को हाथ से नहीं जाने देगी। तो काफ़ी पॉइंट वाली बात है। और दूसरी ओर आपको पता ही है ये आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका भी आप जो क्रिप्टो करेंसी में घुसे हैं वो तो चलो आंसर दे ही देंगे, जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया कि आप रिसर्च करें, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको काफी देखने को मिले। काफी लोगों का ये भी कहना है कि लिब्रा में ऐसी क्या खासियत है कि वो आएगा और वो इंप्रूव भी कैसे हो जाएगा, कैसी चीजें।
तो उसके फैक्ट्स में मैं आपको बताता हूँ कि जून 18, 2019 में फेसबुक ने अनाउंसमेंट किया लिब्रा, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, ठीक है। फेसबुक का जो विज़न है, उन्होंने बताया कि हम इसको ग्लोबल वाइज हम बिलियंस ऑफ पीपल को ये लेके जाना चाहते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल इसका यूज़ करें, हमारा विज़न ये है। और सबसे बड़ा विज़न ये है कि स्पेशली हम डेवलपिंग कंट्री में ये ले जाना चाहते हैं, और दूसरे वहाँ पर जहाँ पर बैंक की सेवाएँ नहीं है, आपको पता काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं, वहाँ पर बैंक की सेवाएँ नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिल पाती, वहाँ पर भी लिब्रा का यूज़ हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर बैंक्स नहीं है, बेचारे सेविंग नहीं कर पाते, वहाँ पर ये लिब्रा को रखकर सेविंग करके ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, कुछ भी, चाहे वो खाने की चीज़ लेनी है या घूमने की चीज़ लेनी है, तो कहीं पर है, क्योंकि लिब्रा को आप एयरपोर्ट पर भी यूज़ कर पाएंगे, हर जगह लिब्रा को यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि एज अ पेटीएम के पर्पस पे। और इसका जो प्राइस है वो स्टिल रहने वाला है, वो ये नहीं है कि बढ़ेगा कम होगा, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि प्राइस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है ना वॉलेटाइल हो रहा है। तो इसमें यूएसए गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम ले आते हैं। तो इसमें बैंकिंग सेक्टर थोड़ा घबरा रहा है कि यार दिक्कत हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर यूज़ करना है, जिन्होंने डिजिटल करेंसी यूज़ करनी है, उन्होंने तो करनी है। अब आज नहीं तो कल, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो लोग इसको अपनाएंगे ही अपनाएंगे। आज अगर आप इसको रोकते हो तो फ्यूचर में तब भी ये आएगा। लिब्रा का ये भी कहना है कि आने वाले 5 सालों में जो कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, टोटली डिसेंट्रलाइज, मतलब 5 सालों बाद इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। अभी तो ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं, फिर उसमें किसी का भी एसोसिएशन का भी हाथ नहीं होगा। तो अभी तक ये धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात की जाए इसकी, जो कि फेसबुक लिब्रा आपको कोइन मार्केट कैप में भी दिखता है, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे वो भी आप जा सकते हैं, बट अभी ये इसमें आया है बट लिस्ट नहीं हुआ, कि जब वो आएगा तब की तब देखी जाएगी। इसका सोर्स कोड भी आप चेक कर सकते हैं गिटहब पर। सबसे बड़ी बात करते हैं आप लिब्रा की, जो कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ फेसबुक से लॉगिन करो हमें लिब्रा मिल गए। भाई एक बात याद रखना, फेसबुक से लॉगिन करोगे आपका अकाउंट हैक होने वाला है, क्योंकि आपका सारा पासवर्ड वहाँ चलने वाला है। ये टोटली फेक है जो कि हमें देखते हैं, जो कि इनकी वेबसाइट की बात की जाए पता नहीं किसके नाम पर ये चल रही है, और लिब्रा सब फेक मिल रहा है, क्योंकि लिब्रा अभी तक आया ही नहीं, तो आप कैसे उसको ट्रांजेक्शन कर पाए। यहाँ तक कि फेसबुक में ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया, 2020 को वो बोल रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का चक्कर पड़ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ट्विटर अकाउंट भी बनाया हुआ, जो कि आप देख सकते हैं आप लिब्रा का, काफ़ी लोग इसमें फंस रहे हैं बेचारे। तो एक कमेंट चेक करते हैं कि लोगों के क्या कमेंट आए हैं, कुछ लोग गालियाँ बक रहे हैं या फिर वो फंस गए। तो डेट स्कैम प्रोजेक्ट, स्कैम डेट प्रोजेक्ट, तो ये साफ है, लोगों को भी पता, तो इससे बच कर रहें, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें लॉगिन कर देंगे रेफर के चक्कर में, ये वो, क्योंकि रेफर का भी इसमें लाला दिया जा रहा है, आपकी आईडी हैक होने वाली है। तो इससे जितना बचें, क्योंकि अभी लिब्रा का कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, 2020 के बाद डिसाइड होगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखो 2020 में तो आना ही आना है। तो इंडिया की बात की जाए, इंडिया में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ने वाला है। हम बात कर लेते हैं BTC और अल्टकॉइन की। तो BTC अल्टकॉइन में आप देख सकते हैं काफ़ी वॉलीटाइल हो रहा है, और बात की जाए कि अभी अल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है कि नहीं है, तो अभी बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट है काफ़ी वॉलीटाइल है, तो इस पर TA और FA कुछ भी वर्क नहीं करने वाली है, और अभी सिग्नल भी कोई वर्क नहीं करने वाला। जिसके पास पुरानी फंडिंग लगी है ठीक है, नहीं मत लगाए। जो नए लोग आए हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो अभी कॉइन पर लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही सलाह है भाई, अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुल रन तभी आएगा जब नए लोग आएंगे, ठीक है, उसको बुल रन बोलते हैं। नया लोग कोई आ नहीं रहा, ठीक है, पुराने लोग ही बैठे हैं पंप डंप करने के लिए। तो अभी पंप डंप वाला हिसाब है। अगर बिलीव करने की बात की जाए, आप किस कॉइन पर बिलीव कर सकते हैं? बिटकॉइन काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, आप इथेरियम पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टकॉइन की बात की जाए, अल्टकॉइन की तो माँ बहन एक हो रखी है, तो इसमें तो आप फंसोगे फंसोगे। उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हाँ भाई पंप डंप कॉइन में हम लगा के हम अर्न कर ले, तो आप उसमें कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस लगा के। यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार कमेंट किए बिना तो जाना ही मत। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। क्या कर देगी सपोर्ट में, बताएंगी सपोर्ट में, आजकल का ये ट्रेंड और गवर्नमेंट भी तो है फ्रेंड, पर जिस लड़के से पूछोगे 11 11 थिंक यू से सबसे ज्यादा नीड है।